आपका स्वागत है स्वतंत्र प्रभा समाचार में, संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। आज हम लोग आए हैं जुबली इंटर कॉलेज में, प्रधानाचार्य सर आपका धीरेंद्र कुमार मिश्रा जी, जो कि जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। जैसा कि सर आपका ये जुबली इंटर कॉलेज है, यहाँ पर कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? आर्ट साइड में और कॉमर्स साइड में, साइंस साइड में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं और कौन कौन से टीचर्स, कितने टीचर्स हैं और कौन कौन सा टीचर कौन कौन से विषय पढ़ाता है, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। राजकीय जुबली इंटरमीडिएट कॉलेज जो कि पूरे प्रदेश के सबसे प्राचीनतम विद्यालयों में से एक है, जब 1887 में यहाँ पर केवल और केवल क्रिश्चियन कॉलेज इत्यादि यानी कॉलेज जो कि मिशनरी स्कूल वगैरह से चलते थे वही थे, तब पहली बार मुंशी नवल किशोर जी के प्रयास से 1887 में इस कॉलेज की स्थापना हुई जुबली हाई स्कूल के रूप में, जो कि बाद में 1922 में हमारा ये इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए भी मान्यता प्राप्त हो गया और 1922 से राजकीय जुबली इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से चल रहा है। बाद में उसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर लिया, पहले यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट में IAS हुआ करते थे, जो इसमें नहीं होते, इंडियन एजुकेशन सर्विस नहीं होती, हुआ करते। बहुत प्राचीनतम कॉलेज है और यहाँ पर सरकार के सभी यूपी बोर्ड के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के जितने भी मान्यता प्राप्त कोर्स हैं सभी यहाँ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कला वर्ग भी है, कला वर्ग में सभी विषयों की मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा हमारे पास वैज्ञानिक वर्ग में गणित और जीव विज्ञान दोनों ही वर्गों की मान्यता हमें प्राप्त है, दोनों की कक्षाएँ संचालित होती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास वाणिज्य कक्षाएँ भी हैं, व्यावसायिक वर्ग की कक्षाएँ भी हैं और कृषि वर्ग भी है, अर्थात सभी पांचों वर्ग जो कि यूपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है सब यहाँ पर चलते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर 42 टीचरों, 42 टीचर्स का स्टाफ है, इन सारी ग्रेड्स के अंदर और विद्यालय कक्षा 6 से लेकर 12 तक चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, तो आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आपका कौन सा मेन विषय है जिसको आप पसंद करते हैं और उस विषय की अपने छात्राओं को प्रोवाइड करते हैं? इसे अच्छा मुख्यालय और ऊपर से राजधानी का मुख्य का विद्यालय माध्यमिक विद्यालय होने के कारण कार्यक्रमों की अधिकता रहती है, लेकिन ये चुनौतियां नहीं कि हम लोगों के लिए अपने को एक्सप्लोर करने का अवसर होता है। हम लोग सरकार के सभी स्कूलों में पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं, जैसे इसमें मिशन कौशल की योजनाएं चल रही हैं, सबसे पहले सरकार की कोई भी योजना जैसे मिशन कौशल ही चल रही वो हमारे यहाँ ही आती है, तो उनको एक्सप्लोर करना, बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना, हर सरकार की योजना चाहे वो मिशन कौशल के अंतर्गत हो चाहे समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हो, जितनी भी योजनाएं चलती सब हमारे संचालित होती है और उनका सफलतापूर्वक संचालन करना ही एक चुनौती या एक्सप्लोरेशन माना जा सकता है। रही विषय की बात तो सभी विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यद्यपि मैं रसायन विज्ञान का हूँ लेकिन सभी विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर विषय का बच्चा उतना ही महत्वपूर्ण है। आजकल कला और कॉमर्स वर्ग में साथ में जीव विज्ञान वर्ग में बच्चों की ज़्यादा अभिरुचि प्राप्त होती है। जैसा कि बाकी विद्यालयों में जाके वो ठीक तरह से उसमें भोजन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो क्या आपके इधर भी कोई मिड डे मील का ऐसा खाना प्रोवाइड होता है जिसमें ठीक तरह का भोजन नहीं मिलता है? बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मिड डे मील की स्कीम बहुत पुरानी स्कीम है, उसके तहत हमारे पहले से ही काम हो रहा है, लेकिन मुख्य बात है कि मिड डे मील हम लोग पकवाते नहीं, बल्कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अक्षय पात्र योजना जो कि ऑलरेडी सरकार द्वारा पुरस्कृत है के योजना के द्वारा हम मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं, जिसकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जैसा कि बेसिक शिक्षा में सरकार द्वारा शासन द्वारा बिल्कुल निःशुल्क किया जा चुका है, विद्यालय के अंदर सारे जैसे कि यूनिफॉर्म वगैरह और बुक्स वगैरह उपलब्ध कराई जाती है, तो क्या वो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है स्कूल से? जो बेसिक शिक्षा की जितनी भी स्कीमें वो सब यहाँ अप्लीकेबल है, यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की DBT स्कीम भी चालू है, बच्चों के यूनिफॉर्म का पैसा और किताबों का पैसा और यूनिफॉर्म और उनके शूज़ का पैसा उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। इसके अलावा जो किताब बेसिक शिक्षा परिषद बच्चों को मुफ्त या निःशुल्क उपलब्ध कराती है वो हमारे यहाँ बहुतायत में रहती हैं, कभी हमारे यहाँ कभी किसी किस्म की कोई पुस्तक बेसिक शिक्षा की ओर से हमेशा उपलब्ध करा देंगे, परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती छात्रों को। और जैसे कि सर और क्या क्या फैकल्टीज़ हैं जो आप क्या कहते हैं और बेहतर बनाने का प्रयासरत हैं, और क्या फैकल्टीज़ हैं आपके स्कूल में जो और बेहतर बना सकते हैं अपना विद्यालय? विद्यालय में हमारे पास मेन में सेंट्रल ग्राउंड है, उनमें थोड़ा सा हम लोग अपने जो स्पोर्ट्स क्लब के रूप में उसको डेवलप करना चाहते हैं, साथ में हमारे पास एक स्मार्ट क्लास, 4 स्मार्ट क्लास है और एक मल्टीपर्पज़ हॉल की भी योजना सरकार के द्वारा ऑलरेडी प्रस्तावित है, जिसका निर्माण राज्य के निर्माण निगम द्वारा किया जाना, तो कुल मिलाकर हमारे पास निर्माण के बाद 5 स्मार्ट क्लासेस हो जाएंगी और एक मल्टीपर्पज़ 260 बच्चों का ऑडिटोरियम भी हो जाएगा जो कि स्कूल की शोभा को बढ़ाता है। इसका निर्माण कार्य कितना समय लग जाएगा या आपने शुरू कर दिया निर्माण का?
निर्माण कार्य ऑलरेडी तीन साल से निर्माण कार्य का थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा रेट बढ़ाने का थोड़ा कोशिश कोर्ट किया गया, जो कि बहुत जल्दी हमें फाइनेंस मिल जाएगा। हम आशान्वित हैं अगले सत्र में आप हमारी चारों स्मार्ट क्लास और मल्टीपर्पज। जैसा कि आज हमने बात की जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से, सर मेरे और मेरे स्वतंत्र कुमार मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपके पूरे स्टाफ और टीचर्स को, आप सभी को कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।